आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है इंडिया में, इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आईफोन के प्रति जो दीवानगी है लोगों की वो ज्यादा है। तो आपको आईफोन में ऐसा क्या पसंद है जो आप यूज करते हैं? आईफोन में बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहा था और एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था। ये मेरा बहुत साल बाद लिया गया आईफोन है। तो इसको लेने की वजह एक तो ये थी कि मैं उस वक्त जब ये आईफोन 13 लॉन्च हुआ था और अमेरिका में था तो वहाँ थोड़ा सस्ता मिल गया था, तो एक वजह तो ये थी। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं बहुत महंगा फ़ोन है, तो आदमी हमारे जैसा गरीब पत्रकार कहाँ से ले पाएगा, वहाँ कुछ डिस्काउंट मिल गया तो आदमी ले लिया। और दूसरा कि इसमें सिक्योरिटी फीचर्स थोड़े बेहतर हैं तो इसलिए आईफोन इस्तेमाल करते हैं। आईफोन यूज़ करने के बाद क्या अब आप एंड्रॉयड पे वापस स्विच करने का कोई मूड है आपका? आप मुझे गिफ्ट कर देंगे फ्री में तो मैं वो भी उसमें स्विच कर जाऊंगा। आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी लोग आईफोन की तरफ शिफ्ट करें, ऐसा क्यों? आपको आईफोन में ऐसी क्या खूबी दिखती है? आईफोन जब भारत में शुरुआत हुई थी तो कई लोगों ने कहा था ये बड़ा महंगा फ़ोन है, भारतीय इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन भारतीयों ने जैसे जैसे इस्तेमाल करना शुरू किया, मुझे लगता है जो उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है फिर उसका फ़ैन हो जाता है। इवन मैं अपने घर में ही देखता हूँ कि जिन लोगों जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और जो आईफोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड थोड़ा सा आसान है भारतीयों के लिए, बड़ा आसान है क्योंकि हमें स्मार्टफोन में शिफ्ट हुए अभी इतने साल नहीं हुए हैं। लेकिन आईफोन की जो मार्केट है, एक तो उसका रेट थोड़ा लोगों के हाथ में अच्छा लगता है, लोग थोड़ा सा भारत में स्टेटस सिंबल के तौर पर भी आईफोन रखना पसंद करते हैं, भले किसी की जॉब लगे कुछ कुछ टाइम हुआ हो लेकिन वो आईफोन इस्तेमाल करता है। तो आईफोन के प्रति जो दीवानगी है, मुझे लगता है कि वो हर आईफोन जब नया लॉन्च होता है तो जो भीड़ लगती है, जो लोग स्पेशली युवा जो इसके जो फ़ैन, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो उसमें से आईफोन मार्केट का भविष्य मुझे लगता है भारत में बहुत उज्ज्वल है। आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी आईफोन के प्रति जो दीवानगी है लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको आईफोन में पसंद आता है, आप आईफोन यूज़ करती हैं? आईफोन मुझे जिस रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है इसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज। एंड्रॉयड में काफ़ी हद तक हैक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आईफोन में मेरे फोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ और बाकी आपका डेटा कंटेंट बहुत ज़्यादा मैं सिक्योर फील करती हूँ। इट्स नॉट ईजी टू हैक इन टू एन एप्पल आईडी, तो मुझे लगता है कि एप्पल जैसा मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं। बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो इसके हैं, कैमरा, फोटो क्वालिटी। 14 पे स्विच करने का? अभी तो ये लिया है 13 प्रो मैक्स, तो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली। यूजर फ्रेंडली है और जब मैंने आईफोन यूज़ करना स्टार्ट किया उसके बाद मैंने इसके साथ एयरपॉड्स लिए, वॉच लिया, तो अब सारे प्रोडक्ट्स मैं एक साथ यूज़ कर सकती हूँ और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो मतलब मुझे नहीं लगता मार्केट में और कोई प्रोडक्ट ऐसा है अवेलेबल जो इतना यूज़र फ्रेंडली है। मैंने दूसरे फ़ोन्स भी यूज़ किए हैं बट आईफोन यूज़ करने के बाद मैं स्विच नहीं कर पाई वापस दूसरे फ़ोन्स के ऊपर। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, उसका कोई असर? कन्वीनियंस और लग्जरी का प्राइस तो होता है। आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है भारत में, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आईफोन के प्रति लोगों की एक दीवानगी देखी गई है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन क्या खासियत है उस आईफोन में जो आपको पसंद आती है और आप आईफोन यूज़ करते हैं? सबसे पहले आईफोन की बॉडी अपने आप में बहुत सुंदर है, इनके जो भी ये अपने वेरिएंट्स लाते हैं, मॉडल्स लाते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं ये देखने में। इनका एक्सटीरियर इज़ वेरी नाइस, ऊपर से इनकी सिक्योरिटी इज़ वेरी नाइस, इनके जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, आप ईजिली इसमें ये वायरस प्रोन नहीं होते हैं, आप इनको हैक नहीं कर सकते हैं, तो ये सिक्योरिटी फीचर्स बहुत हैं जो हमें एप्पल देता है, इसीलिए मुझे आईफोन काफ़ी पसंद है। आईफोन 14 पे स्विच करने का कोई प्लान अभी तो नहीं। ठीक है, कीमत को लेकर एक बार बात करते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आईफोन की कीमत कुछ ज़्यादा है, प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई है? उन्होंने एक बेंचमार्क बना दिया है, अपना एक नाम बना दिया इंडस्ट्री में और वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्राइस ले रहे हैं कस्टमर से, तो उनको अच्छे से पता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे खेलना है, उनके माइंड के साथ कैसे खेलना है, उस हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़े वो प्राइस्ड हैं बट अच्छे हैं। महंगा प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी आईफोन के प्रति लोगों की दीवानगी देखी जा रही है, तो ऐसी कौन सी खासियत है उस आईफोन में जिसकी वजह से आप आईफोन को यूज करते हैं? यूजर फ्रेंडली फीचर्स, जैसे कंफर्टेबिलिटी फीचर्स, जैसे यूज करने में आसान है, कंफर्ट लेवल है और इजी रहता है। कैमरा अच्छा, वीडियो क्वालिटी अच्छी और प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है इंडिया में, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जिस प्राइस में वो आ रहा है वो ठीक है या फिर प्राइस थोड़ा कम होने चाहिए? 40 पे स्विच करने का कोई प्लान? बिल्कुल, हैविंग लॉट ऑफ फीचर्स जो आईफोन में नहीं इनकॉर्पोरेट हो पाते थे, लेकिन अब इन आईफोन एप्पल ने भी अपनी एज पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किए हैं, ईज़ किया है। इन बिटवीन आई हैड टू यूज़ अ एंड्रॉयड फ़ोन बट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद इट। आईफोन का कैमरा क्वालिटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द यू कैन से एडवांटेज फॉर इट, और एज
technology is advancing, people are shifting more to the Apple products because of the security factor and everything. So one of the reason is definitely that. And preference हमेशा एक status symbol भी बनता ही चला जा रहा है. आपके हाथ में अगर iPhone है तो people do consider कि आपका status बहुत अच्छा है. iPhone एक महंगा product है, लेकिन फिर भी iPhone के प्रति इंडिया में दीवानगी है. तो ऐसा कौन सा फीचर आपको iPhone में पसंद आता है जिसकी वजह से आप यूज़ iPhone जब मैं यूज़ नहीं करता था तो पहले बात कि मुझे लगा था कि मुझे मेरे पास एक iPhone होना चाहिए. सबको देख के मुझे शौक आता था, लेकिन जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे लगा कि एक ज़रूरत बन गई. मेरा फ़ोन कभी हैंग नहीं होता है, मेरा फ़ोन फास्ट है. मुझे लगता है कि दूसरे फ़ोनों की तुलना में मेरे सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं. तो एक तो ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है कि आप जब कहीं काम करते हो, कहीं पे करते हो, तो लगता है कि अपने कलीग के बीच एक हमारे पास भी अपडेटेड फ़ोन होना चाहिए. तो उस तरह से आईफोन का यूज हम लोगों ने शुरू किया. लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब लगातार यूज़ करने के बाद स्टेटस वाला कोई पॉइंट बचा नहीं है. हम लोग के लिए सिक्योरिटी और स्पीड मायने रखता है. इस वजह से फ़ोन हम यूज़ करते, एक आदत सी हो गई है आईफोन यूज़ करने. आईफोन भारत में एक महंगा फ़ोन माना जाता है, काफ़ी कीमत होती है, लेकिन फिर भी आईफोन के प्रति जो दीवानगी है वो एक अलग लेवल की है. आप आईफोन क्यों यूज़ करते हैं? ऐसे कौन सा फीचर है जो आपको आईफोन में पसंद आता है और आप स्विच नहीं कर पा रहे किसी और जगह? यार मुझे तो आईफोन शुरू से बहुत पसंद रहा है, और सबसे अच्छी बात इसका जो आप इसका जो प्रोसेसर होता है वो और फ़ोन की तुलना में बहुत फास्ट है इसका. और ये बहुत मतलब हैंडल भी किया जिसको कहते हैं ना, है तो है ही. आप बहुत इसको बहुत किसी भी तरीके से बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत होती नहीं है. और इसके कैमरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इसका कैमरा है, ऑडियो बहुत इसका अच्छा है, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है इसका. मतलब इस तरह से कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत पसंद करते हैं. आईफोन 14 पे स्विच करने का कोई प्लान? यस, जिस कब लॉन्च, जिस दिन लॉन्च होगा, आज ही लॉन्च हो रहा है, आज यूएस ग्लोबल लॉन्च, आज लॉन्च होगा, जब इंडिया में आ जाएगा उस दिन पहला खरीदार मैं हूं. आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है, भारत में कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आईफोन के तरफ इंडियंस काफ़ी ज़्यादा स्विच हो रहे हैं. तो ऐसी क्या चीज़ आईफोन में आपको पसंद आती है जो आप आईफोन यूज़ करते हैं? देखिए, एक तो कोई भी ऐप क्रैश नहीं होती उसके अंदर. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी है. आप कितने भी सालों साल चला लो, फ़ोन कभी हैंग नहीं होता. एंड्रॉयड आप कभी भी ले लो, एक डेढ़ साल बाद वो हैंग होता ही होता है, बट आईफोन 6-7 साल चलता रहता है, अपग्रेड्स आते रहते हैं, कभी हैंग नहीं होता. दैट्स द बेस्ट थिंग. थोड़ी प्राइस आपको ज़्यादा लगती है? थोड़ी सी लिटिल ओवर प्राइस, बट आई थिंक इट्स इट रन्स फॉर 5-6 ईयर्स, तो ठीक है, दैट्स फाइन. आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी इंडिया में आईफोन के प्रति लोगों की दीवानगी देखी गई है. ऐसी क्या चीज़ है उसमें, ऐसी क्या खासियत है जो आप आईफोन यूज़ करते हैं? आईफोन की जो सबसे पहली खासियत है कि जो वो क्वालिटी देता है ना, कोई दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी दे ही नहीं पाती. दूसरी चीज़ जो है उसके जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है. अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से 1-2 साल बाद वो ख़राब हो जाए, लेकिन आईफोन को आप 5 साल भी यूज़ करेंगे ना तो उसका जो प्रोसेस है, उसका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा. और आपको कैमरा क्वालिटी, म्यूज़िक क्वालिटी, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं आईफोन में जो आपको दूसरे प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगी. आप कितना ही महंगा प्रोडक्ट या किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, ये एक ऐसा कल्चर बन गया है हमारे देश में कि लोगों को अब क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए. आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है भारत में, लेकिन फिर भी आईफोन के प्रति लोगों की दीवानगी देखी जा रही है. तो आईफोन में आपको ऐसी क्या चीज़ पसंद आती है जो आप आईफोन यूज़ करते हैं? मुझे लगता है कि आईफोन का जो कैमरा है और जो उसकी स्पीड है वो बाकी मोबाइल फ़ोन के मुकाबले बहुत अच्छी है, तो इसलिए यूज़र जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं. मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन ख़रीदता है तो उसको 2-3 चीज़ें चाहिए होती है. पहली तो आपको स्पीड, और स्पीड जो आईफोन में है वो मुझे नहीं लगता कि किसी फ़ोन में टक्कर की है. और दूसरी चीज़ है कैमरा. हम लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि कैमरा किस फ़ोन में कितना अच्छा है, तो ये बात आप भी मानेंगे कि जो आईफोन का कैमरा है उससे अच्छा कैमरा शायद ही किसी फ़ोन में होगा. तो मुझे लगता है यूज़र ये सारी चीज़ें देखते हुए आईफोन प्रेफर करता है.